अब इंफ्रास्ट्रक्चर के इन तीन स्टेप में भी एक और बात है मेरे मन में, एक तो स्कोप बहुत बड़ा होना चाहिए, टुकड़ों में नहीं होना चाहिए, दूसरा स्केल बहुत बड़ा होना चाहिए और स्पीड भी उसके अनुसार हो रहे, एन ए स्कोप स्केल एंड स्पीड, उसके साथ स्किल होनी चाहिए जी। ये चारों चीजें अगर हम मिला लेते हैं मैं समझता हूँ कि हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। और मेरी कोशिश यही होती है स्किल भी हो, स्केल भी हो, स्पीड भी हो, और कोई स्कोप जाने नहीं देना चाहिए, ये मेरा कोशिश रहता है। 11,11,111 crore rupees फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस वुड बी 3.4% ऑफ आर GDP। एग्रीकल्चर पर जितना बोझ हम कम करेंगे, आज उस पर बोझ बहुत है, उस पर बोझ कम करने की जरूरत है जी। बोझ कम करने के लिए कानून काम नहीं करता है, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है। डाइवर्सिफिकेशन तब होता है जब आपकी डिसेंट्रलाइज वे में इंडस्ट्रियल नेटवर्क हो। तो अगर दो बेटे हैं तो एक बेटा इंडस्ट्री के काम में चला जाएगा, एक बेटा खेती संभालेगा, तो खेती पर जो बोझ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर को वायबल बनाना, मजबूत बनाने के लिए भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूरी है। हम एग्रीकल्चर का वैल्यूएशन करने वाली इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा बढ़ाते हैं तो सीधा सीधा फायदा है, अदरवाइज हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले जाते उसका फायदा है। वी हैव फॉर्मुलेटेड अ पैकेज कवरिंग फाइनेंसिंग, रेगुलेटरी चेंजेस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट फॉर MSMEs टू हेल्प देम ग्रो एंड ऑल्सो कम्पीट ग्लोबली एज मेंशन्ड इन द इंटरिम बजट। आई एम हैप्पी टू अनाउंस द फॉलोइंग स्पेसिफिक मेजर्स। Credit guarantee scheme for MSMEs in the manufacturing sector. Fiscal deficit को हमने control करना, हमने हमारा revenue अच्छा, दूसरा मैंने देखा है कि जैसे 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 taxation आप कम करोगे आपका revenue बढ़ता जाएगा जी। लोग ज़्यादा, आप देखिए करीब करीब डबल लोग हमारे इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या हो रही है, GST रजिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी संख्या बढ़ रही है, तो उनको भरोसा भी सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। द फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड एट 4.9% ऑफ द GDP। द ग्रॉस एंड द नेट मार्केट बोरोइंग्स थ्रू डेटेड सिक्योरिटीज ड्यूरिंग 24-25 आर एस्टिमेटेड एट 14.01 lakh crore rupees and 11.63 lakh crore rupees respectively. Both will be less than that in 23-24. The fiscal consolidation path announced by me in 2021 has served our economy very well, and we aim to reach the deficit below 4.5% next year.